Nora, I never asked you this question. You are so talented, such a good dancer, actor. Oh. And in the whole world, there are many film industries. Why did you choose Bollywood? There are many reasons. Like? One is Bollywood's essence, what Bollywood is. We relate very much. So, we see Bollywood films from childhood. We listen to Bollywood songs, we dance to Bollywood. So, almost it's a part of our culture, you know. So, I feel I relate to Bollywood. Bollywood is such a big industry in the world. It's one of the top industries. Actually. Let's be, you know, we have to give it up to Bollywood. So, I feel like if दूसरे जन्म था, then I can say that my soul must have been here. Oh, in so some world, yeah, for sure, sometime. And उसके अलावा वो प्यार जो audience देता है और मेरा career यहाँ से शुरू हुआ, so immense respect for Bollywood. Thank you. And India. आपको याद है कोई जो पहली film या पहला गाना आपने Bollywood का कौन सा देखा था? Oh my gosh. Okay, पहला गाना जो मैंने उसपे dance किया मेरे दोस्तों के साथ school में. अच्छा. I was, I think, 10 years old. Okay. Mahiwe. Okay. Mahiwe, okay. Shah Rukh Khan ka gaana. That's the way, Mahiwe. Okay. Yes, that was the first song. Wow. Have you ever told Shah Rukh bhai this story? No. You should tell, right? Of course, yeah. That was the first song of yours. That's a good thing, yes. So, after that, देवदास के सारे गाने पे मैंने डांस किया स्कूल में आजाना चले दोला रे दोला. It was a nice time. पर तुमको देखकर और मराको की लड़कियां आना चाहती हैं बॉलीवुड में. Do you know that? Yes, मुझे पता है. हाँ जी, of course. जब भी मैं मराको जाती हूँ काम के लिए बहुत सारे लोग आते हैं and they're like, ma'am, हमें हिंदी सीखनी है, हम भी डांस करना चाहते हैं और हम मतलब we look up to you and all that. So it feels, you know, Bollywood ग्लोबल है, ठीक है, तो इतने सारे लोग जो इंडियन नहीं है, अफ्रीका से है, मिडिल ईस्ट से है, यूरोप से है, they watch Bollywood films, उनको ये culture, tradition, कपड़े, colors, music, उनको बहुत अच्छा लगता है. Some of them are obsessed. Just look at Shah Rukh Khan sir, वो global star है. There are people who don't know Hollywood stars but they know Shah Rukh Khan sir. You know. Shah Rukh Khan sir, वो जहाँ भी जाता है, mark my word, जहाँ भी, those people will know who he is. Actually, yes. मेरी नानी, उनको पता है Shah Rukh Khan कौन है, you know, and she doesn't even watch TV. हाँ. मैं ना आपकी बात से बिल्कुल relate करता हूँ, because मैं ना एक बार सऊदी में कहीं गया तो शाहरुख भाई की फिल्म चल रही थी होटल में, मैं ऐसे थका हुआ. अब मैंने तो शाहरुख भाई को देखा हिंदी में बात करते ना कि अगर इसने मुझे पीछे मुड़ के देखा तो समझो ये भी मुझसे प्यार करती है. तो वही सीन चल रहा था और बोलता आल तदा मन तले तरस्ता रहा. मैं इतना खुश हुआ, मैं कि यार मेरे को वो लैंग्वेज में अंडरस्टैंड नहीं करता था पर मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि शाहरुख भाई की फिल्म में कपल डबिंग के अलावा जब मैं कनाडा में थी मेरी सारी फ्रेंड्स सोमालियन है, केनियन है, जमैकिन, गाइनीज है, बहुत डाइवर्स फ्रेंड्स मेरे पास है. तो जब हम बच्चे थे, I think about the age of 16, 15, 14, I would go to their house और टीवी पे सारी इंडियन फिल्म्स हैं, बिना डब, हिंदी में. अच्छा. Yes, and they would speak Hindi also. और उनको हिंदी समझते हैं, वो लोग हिंदी में बात करते हैं. हमारी फिल्मों के जरिए वो हिंदी सीख रहे हैं. Yes, yes, of course, yes. और नोरा भी देख लो आप एग्जांपल. हाँ. So just imagine वो impact कितना बड़ा है. Wonderful. Yes. Thank you, Bali. I think इससे बढ़िया platform और इससे बढ़िया show नहीं हो सकता कोई और ये गाना गाने के लिए, उनको tribute करने के लिए. Thank you so much. बहुत ही खूबसूरत tribute था. हमने बातें काफी कर ली. एक game खिलाता हूँ मैं आपको. इस game का नाम है surprise box. यहाँ पे हम लोग एक box रखेंगे और बॉक्स का ढक्कन हम खोल देंगे. ऑडियंस को पता रहेगा कि इसमें क्या है. अच्छा. साइड में होल होंगे, आपको हाथ डाल के फील करके बताना है कि उसमें क्या है. मैं मंगवाऊं, आपकी इजाजत है तो प्लीज. बिल्कुल बिल्कुल, लेके आइए जरा. कम नोरा, लेट्स प्ले द गेम. ओके तो आप खेलोगी, मैं और गुरु आपको देखेंगे। अरे ये फेयर नहीं है। नहीं फेयर है, बहुत फेयर है। ओके तो स्टार्ट करें। ऑडियंस प्लीज कोई हिंट नहीं देगा। बोलना मत। हाँ हाँ। अरे ओके ओके क्या मलिका शरावत निकली अंदर से? आराम से बट भाई थैंक यू मेरे को आगे खड़ा करने के लिए। ओके नोरा तो ये इस तरफ पे होल है, इस तरफ भी होल है। आप दोनों हाथों से, एक हाथ से जैसे भी आपको ठीक लगे, आपको उसको टच करके फील करके बताना है कि क्या है इस बॉक्स के अंदर। फटेगा तो नहीं? क्या This is a food. क्या? वो जो खाते हैं ना? Yeah, yeah. What is this? Shelf. Huh? This is a fruit. But which fruit? What is the name? तो ये कौन सा कलर है आप बता दो। कलर? हाँ। कलर कौन सा है अर्चना जी? It's green. It's green, but it's very muddied green, you know. और छोटे dots हैं ऊपर। हाँ, I can feel that. You asked the question, is it a? दो। Fruit. It's a fruit. तीन। So what is the? You've already got half the name, I think. चार। Grapefruit. पांच। The other one? Watermelon. Okay. I can't. I don't name of somebody. Shell fruit. इससे ज़्यादा cheating मैं नहीं करवा सकता। शायद मुझे नहीं पता English में। No, so remember the nursery rhyme. I don't know this in English. ये क्या होता है? ये तो मैंने मेरे को तो हिंदी में भी नहीं पता। Jackfruit ना? Jackfruit. So I was saying. Oh, I did not know this. ओके हटाओ इसको। एक्चुअली किसी भाषा में मुझे नहीं पता। किसी भाषा में नहीं पता। ओके ओके दिस इज वेरी इजी। ओके खाने के लिए है? नहीं। हाँ खाने के लिए है कई जगहों पे। अच्छा एक मिनट तो ये जिंदा है या नहीं? नहीं नहीं अब मरा हुआ है। ओह नहीं ये कभी जिंदा था ही नहीं। ये फिश है क्या? No. Is it a snake? Yeah. Wow, पहला जवाब आपका सही निकला है। नागिन। ये ऑर्गेनिक सांप हैं हरे रंग के। अल्लाह ये भी लास्ट बचा। ये ले आया ना पूरा ले आओ। ये हटा लो। नोरा कम। प्लीज ट्राई। पहले बताओ ये जिंदा है क्या? जिंदा है। नोरा तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकता हूँ? एटलीस्ट सम हिंट। भगवान की बनाई हुई चीज है। हाँ। ओह वाव। नेचुरल चीज है। क्या? ओके। ओह क्या हुआ? ये जिंदा है। आप क्या चाहती हो? हाँ मरी हुई चीजें लेके आए। एक ट्राई तो करो आप। I can't do this यार। ओके आप मेरे साथ ट्राई करो। बाल है इसका बाल है। बाल नहीं करना आप ये आप इधर आओ इधर से हाथ करो आप। या ये देखो ना आप। गुड बात। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.